हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। बट मैंने गोल्डन आई शैडो यूज़ किया है, और अगर आप गोल्डन कलर की ड्रेस पहन रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं जिसमें गोल्डन कलर है, तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है, गोल्डन आई शैडो हर ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। और साथ में मैं आपको पूरा आई मेकअप बताऊँगी और फुल फेस मेकअप बताऊँगी, किस तरह से आप बेस मेकअप कर सकते हैं फ्लॉलेस। और अगर आप घर पे ही लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। और आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेडिंग के लिए, अगर आप रिसेप्शन के लिए करना चाहते हैं, अगर आप संगीत के लिए करना चाहते हैं, और या फिर अगर आप किसी की वेडिंग अटेंड करें उसके लिए भी ये लुक बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। सेफियन ट्रस्ट से देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले आईब्रो से शुरू करेंगे। मैं कलरपॉप की पॉमेड यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ इन द शेड ग्रेनाइट। थोड़ा डार्क शेड है क्योंकि मेरे ब्राउ हेयर जो हैं वो डार्क कलर के हैं, और मैं एक स्मॉल एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और पहले मैं अपनी ब्राउज को लाइन कर लूँगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, पॉमेड्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो अगर आप पॉमेड्स यूज़ करेंगे तो आपका जो आईब्रो होगा वो काफ़ी देर तक स्वेट प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आप स्पेशली वेडिंग के लिए लुक क्रिएट करें तो आप पॉमेड्स ही यूज़ करें। तो इस तरह से मैं पहले लाइन कर लूँगी, और उसके बाद फ्रंट पार्ट पे आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ब्रश पे लगा होगा आप लाइटली उसको अपवर्ड स्ट्रोक से इस तरह से, तो इस तरह से जो भी एम्प्टी स्पॉट्स हैं उनको मैं फिल कर लूँगी सेम पॉमेड के साथ। अब कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं, कलरपॉप का ही कंसीलर है, और स्मॉल डिटेलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैं क्लीन कर लूँगी अपनी ब्राउज को। तो पहले मैं लोअर पार्ट से क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आपने अपनी ब्राउज को थोड़ा सा थिक कर लिया है तो आप हल्का सा थिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप क्लीन कर सकते हैं अपनी ब्राउज को प्रॉपरली। तो इस तरह से मैं क्लीन कर लूंगी। अब मैं टेप अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज के एंड पे इस तरह से, ताकि आई मेकअप काफी क्लीन हो जाए। अब सबसे पहले मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ कलरपॉप का, ये नो फिल्टर कंसीलर है, और मैं इसको एज एन आई शेडो प्राइमर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बेस भी यूज कर सकते हैं, जो भी आई शेडो बेस होती है। और मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी अपनी आईज़ पे, ताकि कोई भी पिगमेंटेशन ना दिखे। और साथ में जब आप बेस अप्लाई करते हैं या फिर कंसीलर अप्लाई करते हैं तो आपकी आई शेडोज और ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं। अब सेट करने के लिए मैं कलर पॉप का ही बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये लूज़ पाउडर है, और लाइटली मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी इससे, ताकि बेस जो हो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, तो आई मेकअप आप बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब आई मेकअप के लिए मैं कलर पॉप की दो पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कलर पॉप की आई थिंक आई लव यू पैलेट यूज़ करूँगी, और इसमें से मैं ये वाला शेड लूंगी। ये परफेक्ट कलर है फॉर योर ट्रांजिशन शेड। और फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज के थोड़ी सी ऊपर, और बैक एंड फोर्थ करके आप अच्छे से ब्लेंड करें। हल्का सा री अप्लाई कर रही हूँ, तो जब तक आपको अपनी जो आपको ट्रांजिशन शेड जितना डार्क चाहिए आप री अप्लाई कर सकते हैं सेम कलर को। तो इस तरह से मैं बैक एंड फोर्थ करती जाऊंगी। अब पैलेट में से मैं ये थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ, और ये भी मैट शेड है। और ब्रश के लिए मैं टेपर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी इसको, और थोड़ा सा इनवर्ड लेके जाऊंगी इस तरह से। एंड अगेन स्ट्रोक सेम होगा, आपको बैक एंड फोर्थ करना है या फिर आप सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर सकते हैं। तो पैलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इन बिटवीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं ब्लेंड करती जाऊंगी साथ साथ। तो अच्छे से आप ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो आई शेडोज आपके पैच ही लगेंगे। और मैंने गोल्डन लुक क्रिएट की है तो उसके लिए इसलिए मैं थोड़े से डार्क ब्राउन शेड्स यूज़ कर रही हूँ। अब सेम पैलेट में से मैं ये वाला ब्लैक शेड ले रही हूँ, और एक स्मॉल टेपर ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ मैं सेम। हल्का सा आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड करूंगी इसको मैं इस तरह से। तो लाइटली मैं आउटर कॉर्नर्स डार्क करती जाऊंगी, तो बहुत ही लाइटली आप पहले अप्लाई करें, एक ही बारी में बहुत ज़्यादा ब्लैक शेड ना अप्लाई कर लें। लाइटली अप्लाई करें, उसे ब्लेंड करें, फिर आप री अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं दो तीन बार अप्लाई करूंगी, एंड इन बिटवीन अगेन आपको ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है कलर को। तो पहले आप क्रीज पे कलर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप क्रीज को हल्का सा डार्क करेंगे, और फिर आप अपने आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कलर को। अब मैं दूसरी इवली पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये भी कलर पॉप की पैलेट है, डिज्नी के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी। इसमें से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ,
और एक स्मॉल फैन ब्रश यूज करी हूँ, और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी ब्राउ बोन पे, अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। अब नेक्स्ट सेम पैलेट में से, डिज्नी की पैलेट में से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये गोल्डन आई शेडो है, शिमर गोल्डन आई शेडो है। और एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि शिमर आई शेडो अगर आप सिंथेटिक ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है और वाइब्रेंट भी लगता है। तो इस तरह से मैं अपनी आईज पे अप्लाई कर लूंगी, तो पूरा मैं आउटर कॉर्नर तक नहीं लेके जा रही, तो आप ध्यान रखें। अब इस टाइम पे आप चाहें तो आप फिक्सिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। अब लाइटली मैं सेम ब्लैक शेड यूज कर रही हूँ जो मैंने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया था, और रीअप्लाई कर लूंगी इसको मैं सेम ब्रश के साथ, और साथ साथ आप ब्लेंड करें। अब डिज्नी की पैलेट में से मैं ये वाले प्रेस ग्लिटर्स यूज कर रही हूँ, सिल्वर प्रेस ग्लिटर्स हैं, और सिंथेटिक ब्रश के साथ ही मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड्स पे इस तरह से। तो इसके साथ आपको फिक्सिंग स्प्रे या फिर ग्लिटर ग्लू यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लूंगी गोल्डन आई शेडो के ऊपर। तो अगेन मैं पूरा आउटर कॉर्नर तक नहीं लेके जा रही। अब नेक्स्ट मैं जेल लाइनर यूज कर रही हूँ कलर पॉप का, दिस इज इन द शेड स्वर्व। तो बहुत ही डार्क क्रीम जेल लाइनर है और बहुत अच्छा कलर है। और आईलाइनर ब्रश के लिए मैंने सिग्मा का लाइनर ब्रश यूज किया है, और पहले मैं अपनी आईज पे इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। तो मैं दो बार अप्लाई किया आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा लाइट लग रहा था पहले, तो मैंने दूसरी बार अप्लाई किया। अब मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ सेम लाइनर के साथ, और बहुत ही क्रीमी जेल लाइनर है, और इस तरह से आप ज्वाइन कर लें। अब मैं कलरपॉप की पैलेट में से ये वाला ब्लैक शेड ले रही हूँ सेम, और लाइटली मैं इसको स्मज करूंगी सिर्फ विंग के ऊपर इस तरह से, ताकि थोड़ा सा स्मज विंग लुक आ जाए, और बहुत ही लाइटली आपको स्मज करना है, और हल्का सा मैं स्मज करती जाऊंगी आउटवर्ड इस तरह से। तो हल्का सा स्मज लाइनर लुक के लिए कर रही हूँ। अब सेम कलर पॉप की पैलेट में से मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, और मैं लाइटली उसके ऊपर अप्लाई कर लूंगी और लाइटली स्मज करूंगी अगेन। अब फॉल्स लैशेज के लिए मैंने ये बिफुलन की लैशेज यूज की थी, क्योंकि मेरे पास कलर पॉप की लैशेज नहीं है, और लैश ग्लू के लिए मैंने आडल की लैश ग्लू यूज की है, और मैं स्टिक कर लूंगी लैशेस को। अगेन मैंने डिटेल में वीडियो की है फॉल्स लैशेस पे भी, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस। प्राइमर के लिए मैं कलरपॉप का प्रिटी फ्रेश हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइमर है स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए। मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस पे, मैंने मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप वेट करें 15 मिनट तक, उसके बाद आप प्राइमर अप्लाई करें। और प्राइमर को मैं लाइटली अंडर आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी, ताकि क्रीजिंग ना हो कंसीलर की। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी प्राइमर को अपने पूरे फेस पे इस तरह से, और बहुत ही हाइड्रेटिंग प्राइमर है स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए। और प्राइमर कभी भी स्किप ना करें आप, स्पेशली वेडिंग लुक्स में। अब नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं नो फिल्टर फाउंडेशन यूज कर रही हूँ कलर पॉप की, और इस फाउंडेशन में मेरा शेड है मीडियम डार्क 115। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो मैंने पूरे फेस पे डॉट्स अप्लाई कर लिए थे। अब उसके बाद मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश के साथ आपको फुल कवरेज मिलती है। आप चाहें तो आप डैम स्पंज यूज कर सकते हैं अगर आप लाइट कवरेज चाहते हैं। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्रश के लिए मैंने ये वाला ब्रश जो है वो कोस्टल सेंस का है, मुझे लिंक मिलेगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। अगेन फाउंडेशन बहुत अच्छी है, सेमी मैट है, तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है उसके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को। अब मैंने दूसरा ब्रश यूज किया है, ये फ्लैट ब्रश है मॉफी का। अब मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। अगेन आप चाहें तो आप मिलानी की फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये वन ब्रांड ट्यूटोरियल है इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स कलरपॉप के यूज किए हैं। अब कंसीलर के लिए मैं कलरपॉप का ही नो फिल्टर कंसीलर यूज कर रही हूँ, और मैंने जो शेड यूज किया है वो मीडियम 28। तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है आप ये यूज कर सकते हैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो मैं सेंटर ऑफ फेस को हाईलाइट करूंगी, अंडर आईज पे अप्लाई किया है, नोज की ब्रिज पे अप्लाई करूंगी, माउथ की साइड पे, चिन पे, क्यूपिड्स बो और फोरहेड पे। तो मोस्टली आप सेंटर ऑफ फेस को हाईलाइट करते हैं, उसके लिए आप एक से दो शेड लाइटर कंसीलर यूज कर सकते हैं। अब डैम स्पंज के साथ मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी, और स्पंज भी मैंने कलर पॉप का यूज किया है, बहुत ही अच्छा स्पंज है, बहुत सॉफ्ट है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, अगेन मैंने सारे प्रोडक्ट्स नीचे मेंशन किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। तो मुझे पर्सनली कलर पॉप के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी और एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा,
बट मुझे नहीं पता आपको इंडिया में क्या चार्जेस होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को। तो आप देख सकते हैं कंसीलर मेरी फाउंडेशन से 2 शेड लाइटर है, तो आपका सेंटर ऑफ फेस हाइलाइटेड लगता है अगर आप लाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं। सेट करने के लिए अगेन मैं कलर पॉप का नो फिल्टर सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ये शेड है बनाना। और स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली ही रहती है या फिर ड्राई भी रहती है तो आप लूज पाउडर से सेट करें। तो मैं पहले अंडर आइज के कंसीलर को सेट कर लूँगी अच्छे से, इस तरह से ताकि अंडर आइज पे मेरा जो कंसीलर है वो क्रीज ना हो। और बाकी फेस के लिए भी मैं सेम लूज पाउडर से ही सेट करूँगी। आप चाहें तो आप डार्क स्पंज से भी सेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपका जो पाउडर होगा वो फ्लेकी नहीं होगा और ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को, तो आप डार्क स्पंज से सेट करें अपना फेस। अब कॉन्टूर करने के लिए मैं अब द आंटे पैलेट यूज़ कर रही हूँ कलर पॉप की, और मैं ये वाला शेड लूंगी। परफेक्ट कलर है इंडियन स्किन टोन के हिसाब से। और एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये कोस्टल सेंस का है। और इस तरह से मैं अपनी चीक बोन्स के जहाँ हॉलोनेस है वहाँ अप्लाई कर लूँगी। लाइटली फोरहेड के साइड पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं शेड बहुत अच्छा है। जॉ लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, अगर आपको डबल चिन विजिबल दिखती है तो आप जॉ लाइन पे अप्लाई कर लें इस तरह से। नोज की साइड पे अप्लाई कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने कहा शेड बहुत अच्छा है स्पेशली इंडियन स्किन टोन के हिसाब से। तो दूसरी साइड पे भी सेम तरीके से मैं कर रही हूँ और फोरहेड पे भी कर रही हूँ। अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप स्किप कर दें ये वाला स्टेप, अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप अप्लाई करें। तो नोज़ की साइड पे अगेन अप्लाई कर लूँगी, जॉ लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब ब्लश के लिए मैं कलर पॉप का ब्लश यूज़ कर रही हूँ और ये शेड है ओ शीज ब्लशिंग, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ब्राइट है, स्पेशली अगर आप वेडिंग के लिए लुक क्रिएट करते हैं तो आप ब्राइट ब्लशेज यूज़ करें। और ब्लश ब्रश के साथ मैं इस तरह से अपने एप्पल्स पे अप्लाई कर रही हूँ और अपवर्ड्स ब्लेंड कर रही हूँ। तो अगेन आप शेड देख सकते हैं, स्पेशली इंडियन स्किन अगर आपकी है तो बहुत अच्छा लगेगा ये कलर। और अगर आप रेड साड़ी पहनते हैं तो इस तरह के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब नेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए मैं सेम हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ पैलेट में से। और हाईलाइटर ब्रश के लिए मैंने सिग्मा का हाईलाइटर ब्रश यूज़ किया है और अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी इस तरह से। तो नोज पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज की टिप पे, दूसरी साइड पे भी रिपीट कर लूंगी मैं। तो ब्लश के ऊपर आप अप्लाई करें, हल्का सा गोल्डन शैम्पेन शेड है, बहुत अच्छा लगेगा स्पेशली अगर आपने गोल्डन आई मेकअप किया है। उसके साथ गोल्डन हाइलाइटर ही यूज करें आप। हल्का सा फोरहेड के टेम्पल्स पे अप्लाई कर रही हूँ और चिन पे अप्लाई कर लूंगी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, उसके लिए सेम लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं नो फिल्टर, और लाइटली मैं कॉन्टोर के नीचे इस तरह से क्लीन कर लूँगी कॉन्टोर को। तो इससे आपकी, तो अगर आपने थोड़ी मिस्टेक की है तो कॉन्टोर अच्छी लगती है आपकी, क्लीन हो जाती है। लाइटली नोज़ की साइड पे अप्लाई कर लूँगी और फिर ब्रश के साथ मैं पाउडर को रिमूव कर लूँगी इस तरह से। अब मैं जेल लाइनर ही यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको एज अ काजल अप्लाई करूँगी। तो लॉन्ग लास्टिंग है ये जेल लाइनर और मैं इसको अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। अब कलर पॉप की और डिज्नी पैलेट में से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, मैट कलर है। और पेंसिल ब्रश के साथ मैं इसको स्मच करूंगी अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरह से। आप चाहें तो आप डार्क ब्राउन शेड भी यूज कर सकते हैं, तो अच्छे से स्मच करें। आप ब्लैक आई शैडो ना यूज करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा डार्क लगेगा। तो सॉफ्ट लुक के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह के कलर्स यूज करें। अब सेम डिज्नी की पैलेट में से मैं सेम गोल्डन शेड ले रही हूँ और पेंसिल ब्रश के साथ ही मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने इनर कॉर्नर्स पे, अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। हल्का सा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रैग कर रही हूँ इनवर्ड्स इस तरह से। मस्कारा के लिए मैं कलर पॉप का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा है। और मैं अच्छे से अपनी नेचुरल लैशेज को कोट करूंगी ताकि नेचुरल लैशेज फॉल्स लैशेज के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैं टॉप लैशेज को कर रही हूँ और बॉटम लैशेज को भी कर लूंगी। लिप लाइनर के लिए मैं अगेन कलर पॉप का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्रीमी लिप लाइनर है, बहुत अच्छा है। और मैं लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप लाइन कर लूँगी इस तरह से। तो अगेन अगर आप थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक चाहते हैं तो आप इस तरह का लिप लाइनर यूज़ करें, बहुत अच्छा लगेगा। अब लिपस्टिक के लिए मैं मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ कलर पॉप की और ये बहुत लाइट लिपस्टिक है, तो मैं अपनी लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैंने आई मेकअप थोड़ा हैवी किया। आप चाहें तो आप थोड़ी डार्क लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आई मेकअप हैवी किया है तो इसलिए मैं थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक चाहती थी। अब सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, कलर पॉप का प्रिटी फ्रेश सेटिंग स्प्रे है और मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी अपने पूरे फेस पे ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और बिल्कुल भी केकी ना लगे। तो ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना करें।
सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप गोल्डन कलर की ड्रेस पहन रहे हैं, या फिर अगर आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं जिसमें थोड़ा सा गोल्डन शेड है, या फिर आप किसी भी कलर की ड्रेस पहन लें, गोल्डन लुक हर ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करता है. आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली ड्रामेटिक लुक है, थोड़ा सा अरेबिक लुक आ रहा है क्योंकि मैंने स्मज लुक क्रिएट किया है. तो इस तरह से छोटी छोटी अगर आप ट्रिक्स करेंगे तो उससे आपका आई मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा डिफरेंट लगता है. तो आप ट्राई करके देखें, और अगर आप रिक्रिएट करें ये लुक तो प्लीज मुझे टैग जरूर करें मेरे इंस्टाग्राम पे. अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई हो ये ट्यूटोरियल तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ. और ढेर सारा लाइक करें इस वीडियो को, ढेर सारा शेयर करें सबके साथ. अगर आप खुद से मेकअप करना चाहते हैं अपनी वेडिंग पे तो आप ज़रूर क्रिएट करके देखिए ये लुक, बहुत ही सिंपल है, आप घर पे ही अपना मेकअप कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब येट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.